आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर डाउनलोड कीजिए ताकि आप सुना हो निवेशक भैया, देश दुनिया में रहवैया, दिल में बिहार बसा के अर्थ क्षेत्र के खेवैया। ये चारों लाइनों का बहुत बड़ा अर्थ है कि दिल में बिहार बसा के अर्थ क्षेत्र के खेवैया। एहो दीदी भैया जल्दी आव हो, अपने बिहार के तू अर्थ जगत में लावा ये भैया, बिहार के उद्योग के तू औरी पंख लगावा ये भैया। नीतीश जी बहिया फैलवले दौड़ल तू आवा ये भैया, नरेंद्र मोदी के अभियान में हाथ बटावा ये भैया, कोशिश सहनवाज के औरी ये के सजावा ये भैया। देखिए, मैं एक तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया करता हूँ उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय बिहार को, और मुख्यमंत्री जी के साथ साथ उद्योग मंत्री शाहनवाज जी को, कि ये जिस प्रकार से युवाओं में, यूथ में, सेलिब्रिटीज़ में खादी को, हैंडलूम को बसा रहे हैं, वो ऐसा उदाहरण हमको पहले नहीं मिलता है। और इसलिए हमने गाना भी बनाया, मैंने कहा कि इस विचार के अनुरूप गीत होना चाहिए, और वो गाना ही नहीं है, वो पुकार है, मेरी पुकार है। जब गाने को ध्यान से सुनेंगे, उन हर लोगों से जो अपने दिल में बिहार को बसाते हैं, उद्योगपति हैं, कहीं ना कहीं निवेश करते हैं, तो मैंने एक गीत बना के गाया। सुना हो निवेशक भैया, देश दुनिया में रहवैया, दिल में बिहार बसा के अर्थ क्षेत्र के खेवैया। ये चारों लाइनों का बहुत बड़ा अर्थ है कि दिल में बिहार बसा के अर्थ क्षेत्र के खेवैया। एहो दीदी भैया जल्दी आव हो, अपने बिहार के तू अर्थ जगत में लावा ये भैया, बिहार के उद्योग के तू औरी पंख लगावा ये भैया। नीतीश जी बहिया फैलवले दौड़ल तू आवा ये भैया, नरेंद्र मोदी के अभियान में हाथ बटावा ये भैया, कोशिश सहनवाज के औरी ये के सजावा ये भैया। ये हमारा भाव है। अब पूरा गाना तो देखिए, मैं धार से मुझे सब याद आ गया कि मैं क्या ना क्या क्या चाहता हूँ। उनको मैं पुकार कर रहा हूँ, आवाहन कर रहा हूँ कि अगर आपके दिल में बिहार है तो आइए हम सब मिल करके बिहार के खादी को, हैंडलूम को आगे बढ़ाते हैं, ताकि हमारे बिहार के हर गांव में बसा हुआ वो कारीगर, वो बुनकर, वो जो बना रहे, जब देख रहे अचार भी यहाँ है, किसान चाची अचार है, आप सोचिए ये उनके घर से बनवा के मंगा रही है विभाग के विभाग, जो अपने घर में बना बनाया और उनको रोजगार मिल गया, और तब जो अभियान है नरेंद्र मोदी जी का, नीतीश जी का आत्मनिर्भर, तो इसके लिए मेरा छोटा सा योगदान है। और मैं मुझे आज मुझे प्रस्ताव रखा गया कि मैं ब्रांड एम्बेसडर, मेरे लिए इससे बड़ा सम्मान हो ही नहीं सकता कि मैं अपने शब्दों से, अपने गीतों से, अपने हाव भाव से बिहार की चीज़ों को प्रचारित करूँ।